न्यूज चैनल सबसे तेज सबसे आगे हम आपको बताते चलें। आज हम खड़े हुए हैं बख्तावरपुर, हम आपको दिखा दें, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय है बख्तावरपुर दिल्ली 36 में। यहाँ पर काफ़ी शिकायत मिली है और शिकायत क्या है वो भी हम आपको बता दें कि शिकायत जो है ठेकेदार के जो पास में लेबर काम करती है उनकी पेमेंट नहीं हो पाई है। इसमें तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं और ये लोग परेशान हैं, ठेकेदार से कई बार गुहार कर चुके हैं। हम इनसे बात भी करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि इनकी पेमेंट नहीं हो रही। आपका नाम? बम महाराज नौटिया। कहाँ से हैं आप? मैं समाजवादी लेबर फ्रंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी। कब से आप पे आपके पास में जो इन्होंने बात करी है, इन्होंने बताई अपनी दुख कि भाई हमारे साथ में ऐसा हो रहा, पैसे नहीं मिल पा रहे, कब आपको शिकायत दी? ये लेबर साहब 23 मार्च को मेरे पास में आए थे और उसके बाद मैं 24-25 फरवरी को कंसर्न एक्शन नरेंद्र मोहन जी से और ए से और ठेकेदार से कंसर्न किया, लेकिन ये लोग कोई सुनवाई नहीं किया, जिसकी वजह से इनका पेमेंट रुका हुआ है। ये जितने मजदूर हैं, महिलाएं हैं, सारी मजदूरों का 4-5 महीना 6 महीना से पैसे रुका हुआ है। इनको कोई भी सुरक्षा के इंजाम नहीं दे रहा है, न कोई भी ESI दे रहा है, न PF दे रहा है। कोई भी हक जो लेबर से संबंधित होता है न ठेकेदार दे रहा है, न सरकारी डिपार्टमेंट इसको दिला रहा है और ये एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं और इनका कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और ज़्यादा दर्द इन लेबरों का आप बयान कर सकते हैं। हम उसी में बताते चलें कि इनसे हम बात कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा किसी वजह से, किसी कारण से, लेकिन जो शिकायतें हैं, कभी आप DM ऑफिस गए? हम ये एक्शन ऑफिस गए, जो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर PWD शिक्षा अन्वेषण मंडल का वो है कसमी गेट बसड्डा में, उनका जो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर है नरेंद्र राजन जी, उनके पास गया, उनसे मिला, उन लेबर को भी सारे को लेकर साथ में गए थे। नहीं, जो अलीपुर DM ऑफिस पड़ता है इस पे आपने कोई लिखित में शिकायत दी है कि किस तरीके से लेबर के साथ में ऐसा हो रहा है? DM ऑफिस से कोई रिलेटेड मैटर नहीं है, मैटर है लेबर कोर्ट से और जो PWD इसका मालिक है जो काम करा रहा है उनसे। तो हम PWD जो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर है जिसके अंदर में ये काम है, जिसने ठेका जारी किया है, उनसे मिले, उनके AE से मिले, उनके परियोजना के जो AE है RK झा उनसे मिले, सबसे मिले, जो ठेकेदार है उनसे बात भी किए, लेकिन ये लोग उनका पैसा देने को तैयार नहीं, बल्कि उल्टे इनको धमकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, साइड पर उल्टा उल्टा करने के लिए मतलब चालू कर दिया है, मतलब साजिश रचना चालू कर दिया है उसने। यहाँ काफ़ी सारी लेबर भी खड़ी है, एक बार लेबर को दिखा दो, हम इनसे भी बात करेंगे आखिरकार ऐसा क्या मुद्दा है, क्यों आपको पैसे नहीं दिए जा रहे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवेज अंसारी है। परवेज, कब से काम कर रहे हो? हम तो फरवरी से काम कर रहे हैं, हमको एक भी खर्चा नहीं मिला है ठेकेदार पैसा। अभी फिलहाल काम कर रहे हो आप यहाँ? अभी काम कर रहे हैं, अभी खर्चा भी नहीं दे रहा है, अभी कहाँ से करेंगे, कहाँ से, एक भी रुपया नहीं है हमारा। तो बताया जा रहा है कि 6 महीने से आप काम नहीं कर रहे हो? 6 महीने से काम कर रहे, पैसा नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे? पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है सीमा। अच्छा सीमा जी, हमारा हम बहुत तकलीफ है, 3 महीना से हमारी सास बीमार है, पैसा दे नहीं रहा, मेरे को जाना घरूर है, वो बोला मैंने मेरे को बहू को देखना, लड़के को देखना, मैं कैसे देखूं, कम गुजर गया तो फिर हम क्या करेंगे, बहुत तलब रहा देखने को। वो 4 महीना कहाँ से, कहाँ से रहने वाले हो? हमें दमो जिला लगता है, MP के हैं। ये दूसरी भी महिला, आपका क्या नाम है? हमारा पैसे नहीं मिल रहा है, इतना दुखी है कि बहुत ज्यादा से हमको घर जाना है। कितने महीने से पैसा नहीं मिला? 5-6 महीना हो गए, पैसे नहीं मिला चुका है, तो हम क्या करें, भूखे थोड़ी ना। अभी फिलहाल आप काम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं खाली? बैठे हैं हम तो खाली, हम इधर उधर करते हैं, मिल जाए 2-4 पैसे तो पेट पालते हैं, पैसे मिल नहीं रहा है, बताओ हम क्या करें, मरे भूखे प्यासे, हमारे बच्चे राई राई से हैं। इन लोगों की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, दिल्ली सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। ये आप देख रहे हैं इतने सारे जो मजदूर हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं, ये काफ़ी समय से यहाँ काम कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से इनको सैलरी या इनको कोई भी वेतन नहीं मिल पाया है। अब ये अंदाजा लगा जो रोज लाना, जिसका रोज खाना है, वो कैसे अपना जीवन यापन कर पाएगा। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी इस पर देखना चाहिए, क्योंकि PWD के अंडर में ये काम कर रहे हैं, जो अंदर स्कूल के अंदर बिल्डिंग बन रही है उसमें ये काम कर रहे हैं।
आपका नाम? मेरा नाम सुकेन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कब से काम कर रहे हो? लगभग 5-6 महीने से ऊपर से काम कर रहा हूँ, अभी तक एक भी रुपया नहीं मिला है। एक भी रुपया नहीं मिला? नहीं। फिर कैसे गुजर बसर, खाना कैसे खा रहे हो? खाना नहीं, खाना कहीं कहीं पे करते हैं, कभी पैसा मिलता है नहीं, तो कहीं कहीं पे काम करते हैं तो पैसा मिलता है तो वहीं से खाना खाते हैं। कौन है ठेकेदार? मेरा ठेकेदार पप्पू कुमार। पप्पू कुमार? हाँ। तो पप्पू कुमार पैसा नहीं दे रहा आपका? अभी तक पैसा नहीं दिया है। आपका क्या नाम है? राम प्रसाद। राम प्रसाद कहाँ के रहने वाले हो? MP का हूँ, दमोह सागर का रहने वाला हूँ। बस आप 6 महीने से ऊपर काम करना हो गया, मुझे पैसे एक भी नहीं मिल रहा है, पैसे खाने को इधर उधर से काम चला रहा है हम लोग कर करके। और बहुत सी हम लोग त्योहार में भी ऐसे 1 रुपये नहीं था हमारे पास, इधर उधर से मांग के खा रहे हैं, और काम करने के बाद भी 1 रुपया नहीं मिल रहा, ना खर्चा मिल रहा ना कुछ। तो इसकी शिकायत किसी से करी आपने अब से पहले भी? हाँ साहब, अभी तो कहीं नहीं करी, वो उधर साहब ठेकेदार साहब लुआ गए थे, कहीं उधर गए थे बस। देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली, देश की राजधानी कहे जाने वाली देश की राजधानी दिल्ली में जो लोग काम कर रहे हैं, ये गरीब तबके के हैं, सब मजदूर हैं, सी क्लास के लोग हैं, अगर इन लोगों को पेमेंट नहीं मिल पाएगी, पैसा नहीं मिल पाएगा, तो इनका गुजारा कैसे होगा? हर तरीके से ये लोग परेशान हैं। अब क्या किया जाए, ये तो दिल्ली सरकार के ऊपर है, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर में ही PWD और जितने भी कॉलेज हैं या स्कूल हैं वो सब दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं। लेकिन देखना होगा कि बड़ी बात ये है कि आपको हमने वीडियो में दिखाए, लोगों से पूछी तो इन्होंने अपनी दुखती हुई बात बताई कि हम खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, अगर किसी के यहाँ काम करते हैं तो खाना खा लेते हैं, लेकिन नहीं तो नहीं। अब ठेकेदार पे आरोप है, ठेकेदार आखिरकार इनकी पेमेंट क्यों नहीं कर रहा, ये बड़ी बात होगी। दिल्ली से निगम पांडे के साथ में ब्यूरो रिपोर्ट।